अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि किस तरह से हम लिंकअप जो कि प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, जहाँ से हम अब यूआरएल लिंकिंग के थ्रू यानी कि सोर्स यूआरएल के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करना हमने सीखा था और उसे एक्टिवेट करना भी सिखाया मैंने। और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर आके तमाम वीडियोस, लिंकअप और भी बहुत सी वीडियोस हैं, मतलब कि मिटमनी के हवाले से, जैसे कि डेली मोशन पब्लिकेशन प्रोग्राम है, ऑफिशियल है, यूट्यूब है, और भी बहुत सी वीडियोस हैं, वेब डिज़ाइन भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अगर आप लिंकअप सीख रहे हैं तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की तमाम वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट computerhold.blogspot.com विजिट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना जो अकाउंट हमने मतलब क्रिएट किया था उसे ओपन कैसे करना है और उसे हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके हवाले से मैं आपको आज कुछ टिप्स भी दूंगा। सबसे पहले हम टाइप करेंगे linkbox.com। लिंकबॉक्स की वेबसाइट ओपन हो चुकी है हमारे सामने। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देना है, ठीक है, जो भी आपका यूज़र नेम है, जो आपने यूज़र नेम रखा था, ठीक है, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था। और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे और लॉगिन कर देंगे। मैं अभी आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। जी जनाब, तो मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है और ये मेरे अकाउंट की डिटेल्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक का बटन है। अगर आप मतलब कि वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं कि वेबसाइट है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन और ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा बटन है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग से खैर हम तो इसे चूज़ नहीं करेंगे, ये एक्चुअली होती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐड अपने लगवाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, जैसे किस तरह हम टेलीविज़न पर ऐड देखते हैं तो मुख्य कंपनी के प्रोडक्ट के ऐड होते हैं, या किसी की कोई शॉप है, कोई अगर अपने ऐड लगवाना चाहता है पैसे देकर इन्हें, तो वो यहाँ पर यहाँ इनके थ्रू यहाँ मतलब इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने ऐड का वो लगवा सकता है, यानी कि वो पेमेंट करेगा, वो एडवर्टाइज़र है। हम जो काम करने जा रहे हैं हम पब्लिशर का काम करने जा रहे हैं, ठीक है, ये फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी ऑप्शन है हमारे पास मैनेज लिंक। यहाँ से आप अपनी मुझे डिटेल दे सकते हैं और अपने लिंक को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और असल काम जो हमारा है, ठीक है, जिस पर मैं आपको मतलब कि वजाहत से बताऊंगा, वो है क्रिएट लिंक। ये हमारा असल काम है। ADF.ly मैंने सिखाया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट में आके ADF.ly, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम URL लिंकिंग यानी कि URL के थ्रू हम अर्निंग करते हैं, वो और ये दोनों का तरीकाकार सेम है, ठीक है। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरी वेबसाइट में और ADF.ly वो भी लाजमी सीखें अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको बहुत सी मुफीद मालूम मिलेंगी। तो ये खैर मैं सारा तरीकाकार पहले ADF.ly में सिखा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताई देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल अर्निंग वगैरह शो हो रही है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ये अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, और अभी तक मैंने एक भी मतलब कि लिंक जो है ना वो सिंक नहीं किया हुआ, इसलिए मेरी तमाम चीज़ें बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। आज ही मैंने कुछ देर पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट किया है, क्रिएट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जनाब हमने करना क्या है कि नीचे आएंगे, सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर क्रिएट लिंक, इस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपने कोई भी URL डाल देना, ठीक है, कोई भी URL, किसी भी URL, हम इस चीज़ को URL कहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ ओपन करते हैं इंटरनेट में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेली मोशन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये डेली मोशन का URL होगा। इसी तरह से अगर डेली मोशन के अंदर हम देखें, जैसे जैसे मैं कोई चीज़ ओपन करूँगा ये चेंज होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर सर्च करके, PTI से तो देखिए साथ ही इसका URL जो है वो चेंज हो गया। अभी जस्ट मैंने सर्च किया, ठीक है, तो ये इस जगह का URL है। उसके बाद अगर मैं कोई वीडियो ओपन करूँगा तो फिर चेंज हो जाएगा। अब देखें ये फिर से चेंज हो गया। तो आपको कोई भी URL चाहिए, जो चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, आप उसका URL कॉपी कर लें, ठीक है, कंट्रोल सी सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट है,
और अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो आप एक यूआरएल पिक करेंगे, पिक करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर वो यूआरएल कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यही काम आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। बहरहाल कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। जाहिर आपने ये काम करना है तो आपको शॉर्टकट आनी चाहिए ताकि आप जल्दी से ये काम कर सकें। ऐड टाइप जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो। इंफॉर्मेशन पे मैं रहने देता हूँ। पेज कंटेंट, पेज कंटेंट यानी कि आप जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं अगर तो वो चीज़ ऐसी है कि बिल्कुल क्लीन है, हर कोई इसे देख सकता है, तो आप क्लीन ऑल एजेस सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ मतलब कि शेयर करने जा रहे हैं जिसमें कोई मतलब कि फहाश टाइप का मवाद है या फिर उसमें कोई गलत किस्म की चीज़ है, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे अडल्ट 18 प्लस। लेकिन इस किस्म की कोई भी चीज़ आपने शेयर नहीं करनी, ठीक है। अकल का भी तकाजा, गलत तरीके से पैसे कमाने का कोई मकसद नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी अगर आपको आपके जहन में क्या पोर्नोग्राफी के थ्रू यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, तो भाई फिर आपका अकाउंट जो बैन हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल नहीं करना, आप हमेशा यही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे क्लीन ऑल एजेस। अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपको अर्निंग भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, तो वो एज रिक्वायरमेंट करता है। जो भी यूज़र आपके लिंक पे आता है तो उसे एज रिक्वायर करता है, तो इससे आपको अर्निंग भी नहीं होगी। इसलिए आपने ऐसी पोस्ट लगानी है जिसमें कोई गलत किस्म का मवाद बिल्कुल भी ना हो, और आप यही ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करेंगे क्लीन ऑल एजेस। उसके बाद एलाइज यूआरएल है, तो यहाँ से आप इसे linkbox.com ही रहने दीजिए। और ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करनी है जनरेट लिंक। जैसे ही जनरेट लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए उसने हमें यहाँ पर हमारा लिंक जो है वो शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमारे पास हमारा ये लिंक शॉर्ट होकर आ चुका है। इस यूआरएल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट है, और अगर राइट क्लिक करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप राइट क्लिक से नहीं करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करना है जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, और कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इस लिंक को आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस वगैरह जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी कोई आपके इस लिंक पर क्लिक करेगा तो पहले ऐड चलेगा, और उस ऐड के बाद वही पोस्ट ओपन होगी जिसका आपने लिंक उठाया हुआ था। जैसे कि मैंने पीटीआई डेली मोशन पर पीटीआई का एक सॉन्ग था, उसका मैंने यूआरएल पिक किया था। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, जब मैं इसे शेयर करूँगा तो पहले ऐड चलेगा, और ऐड चलने के बाद फिर जनाब क्या होगा कि इस पर वही यानी कि पेज ओपन हो जाएगा, और आपको उस ऐड जो ऐड उस पर चलेगा आपको उसके थ्रू अर्निंग होगी, ठीक है। तो बहुत आसान काम है, ठीक है, आप इजीली ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के थ्रू बेशक आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अर्निंग आप नहीं कर सकते। मैंने ADF.ly जब सिखाया था तो उसमें भी मैंने कहा था, ठीक है, और वही बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप अर्निंग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग आप नहीं कर सकते। और अगर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो भाई फिर इतने आसान काम से तो नहीं ना आप कर सकते, ये तो अकल का भी तकाजा है। तो फिर आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप मेरी, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर इजीली सीख सकते हैं, मैंने फ्री में सिखाया हुआ है। लोग पैसे लेकर सिखाते हैं, फ्री में नहीं सिखाते, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लॉगर में आएंगे, और ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये गूगल का मतलब गूगल की एक प्रोडक्ट है, गूगल का प्लेटफॉर्म है, जैसे जीमेल है, गूगल प्लस है, और गूगल है। इसी तरह से ब्लॉगर है जो वेब डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शुरुआत में ब्लॉगर सिर्फ एक मतलब कि टेक्स्ट टाइप सॉफ्टवेयर था जहाँ पर हम कुछ चीज़ें वगैरह टाइप कर सकते हैं। आज ये मतलब कि इतना ज़्यादा लेटेस्ट हो चुका है कि हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे ब्लॉगर में, ब्लॉगर वीडियो ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं आप इन तमाम को सीखेंगे, ठीक है। 12 टॉपिक हैं, मज़ीद भी अगर कोई नई चीज़ आती है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो आपने 1 से शुरू करना, यहाँ नीचे 1 से शुरू करना, और आपने ये 12 के 12 सीखनी है। इससे आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, हज़ारों में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अच्छा काम करें, आपकी वेबसाइट चले तो आप लाखों में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है, कोई लिमिट नहीं है। और जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी भी वेब डिज़ाइनर से पूछ सकते हैं कि क्या हम वेबसाइट के थ्रू कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो वो आपको यही कहेगा कि भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आप कुछ भी ना कमा सकें, हो सकता है आप हज़ारों कमाएं, हो सकता है आप लाखों भी कमा लें। यह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रगल पर और आपकी किस्मत पर, ठीक है।
और यही काम अगर आप यहाँ से सीखना चाहें यहाँ से सीख सकते हैं, और यही आप लर्न विद टॉपिक यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप जस्ट ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीखना आसान है। यहाँ पर मैंने तमाम जो टॉपिक थे 12 के 12 उनके यहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ADF.ly और लिंक वर्क इनके थ्रू आप बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि आपको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती तो चलिए ठीक है, फिर आप ये काम कीजिए, अगर इसमें अर्निंग कम है तो ये काम भी आसान है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप अपने लिंक जो है वो श्रिंक करते चले जाएंगे, उन्हें कॉपी करेंगे और अपनी जो फेसबुक वगैरह का अकाउंट है वहाँ पर यूज़ करेंगे। और यही काम अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं और आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, अगर आप वेबसाइट का काम करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन्हीं लिंक्स को हम अपनी वेबसाइट में मुख्तलिफ पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं बताऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट का काम करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम लिंकिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इमेज के ऊपर ये लिंक डाल दीजिए, या किसी पोस्ट के ऊपर ये लिंक डाल दीजिए, या आप कोई भी बटन है उसके ऊपर आप जो लिंक डालना चाह रहे हैं अपने लेबल का, वो लेबल का लिंक आप श्रिंक करके डाल दीजिए। जब भी कोई ओपन करेगा आपकी वो वेबसाइट में वो चीज़, तो आपको पहले ऐड चलेगा और उससे आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये तमाम काम आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर आप इसे अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं ADF.ly को या लिंक बॉक्स को, तो आपने बहुत ज़्यादा लिंक नहीं डालने श्रिंक करके। इससे फिर ये होता है कि विजिटर जो है ना वो हमारी वेबसाइट को पसंद नहीं करता, ये कुछ लिंक डालें आप, ज़्यादा ना डालें अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं। तो क्रिएट लिंक का हमारा काम हो गया, इसे आप अपनी वेबसाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जनाब इसे क्या अपना नाम है जो सोशल नेटवर्क हैं फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस वगैरह वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएं फेसबुक पर, और पेजेस वगैरह में भी आप जाएँ जो लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं वहाँ पर भी जाएँ और अपना लिंक डालें, और वहाँ से आप ईजीली अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट बटन है वो है अर्निंग्स का। अर्निंग में हमारे यहाँ पर अर्निंग शो होगी, अभी मैंने जस्ट काम स्टार्ट किया है, तो मैं जब अपने लिंक वगैरह शेयरिंग करके शेयर करूँगा दोस्तों के साथ और अपनी वेबसाइट में डालूँगा तो मुझे भी फिर इसके थ्रू अर्निंग होगी। और ये जो अर्निंग है ये फिर हम मतलब कि अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जब हमारे तकरीबन $10 हो जाएंगे तो फिर हम रिक्वेस्ट भेजने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे जो हमने अकाउंट दिया होगा वो हम तमाम सेटिंग करेंगे, और जो मतलब कि हमारी पेमेंट होगी वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब फिलहाल अभी ये एम्प्टी है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी मतलब कि मैंने तो लिंक ही खैर श्रिंक नहीं किया, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने अकाउंट बनाया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम पेमेंट रिक्वेस्ट इज $10। जब आपके $10 हो जाए तो फिर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उससे पहले आप नहीं भेज सकते, ठीक है। $10 से कम है तो आप नहीं भेज सकते। जैसे ही $10 कंप्लीट हो जाएंगे कम अज़ कम, तो फिर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो भेज ही सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम $10 होने चाहिए। उसके बाद रेफरल्स हैं। रेफरल्स क्या हैं कि अगर आपके रेफरल के थ्रू कोई अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसकी अर्निंग का आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो रेफरल क्या बना सकते हैं, और अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो यहाँ से आप जो है ये बैनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इनके कोड हैं, इन कोड को आप अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिंक बक्स है और यहाँ पर मैंने भी बैनर लगाया होगा, ठीक है। ये देखिए ये बैनर मैंने लगाया हुआ है, और आपको मैंने पहली वीडियो में कहा था कि आपने इसी बैनर पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने लिंक बक्स के हवाले से आपको तमाम चीज़ें जो अहम हुआ उसको मैंने सिखा दी हैं, और अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना, ना किसी के साथ शेयर करना, उससे खुफिया रखना, क्योंकि ये अहम चीज़ें होती हैं, आप बाद में आपकी कोई अर्निंग वगैरह चुरा लेगा या आपका अकाउंट ख़राब कर देगा। इसके अलावा मैनेज अकाउंट भी आपका है, वो चीज़ें इतनी अहम नहीं, जितनी भी अहम चीज़ें थी वो तमाम मैंने आपको सिखा दी हैं। इसके अलावा कोई न्यू अपडेट अगर आती है, अगर लिंक बॉक्स के प्लेटफॉर्म में कोई चेंजिंग आती है, तो आप हमारी वेबसाइट के साथ रबते में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जितनी भी न्यू अपडेट वगैरह आएंगी वो भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया। न्यू अगर कोई अपडेटिंग अगर आती है तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।